Hello everyone today we are going to discuss about the fourth chapter of our english book flamingo having the heading the red trap written by selma Lagerlof, a swedish writer the story is told somewhat in the manner of a fairy tale Ek jiski kuch is se hoti hai. once upon a time there was a king ya fir kuch is se, baat un ki hai. when sweden began shifting from an agricultural to an industrial economy in the second half of the 19th century, many farm families were displaced. Many iron workers lost their jobs due to the growing industries. These sweeping changes are evident in the rat trap through the main character of the story, who lost his job of an iron worker. He is now a traveling rat trap salesman. A universal theme runs through that is, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love now let us start the story once upon a time there was a travelling rat trap salesman gharghar gali gali chuhedani valata in order to survive he had to resort to bagging and petty theft as the business was not profitable uski condition kafi critical फटे पुराने कपड़े धसे हुए गाल और उसकी हंगरी आइज उसका हाल स्वतः बयां कर रही थी यहां एक लाइन आपको दिखाई दे रही है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट मींस टू सरवाइव फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट वन डे ही एनकाउंटर्ड विद फिलोसफी नेचुरली वाइल थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स विच सेम टू हिम एंटरटेनिंग ऑल्सो द आइडिया वॉज दैट द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज इट्स एंड विलेजेज वॉज नथिंग बट अ बिग रैड ट्रैप ये संसार चारे के रूप में लोगों को रिच इज एंड ज्वाइज शेल्टर एंड फूड हीट एंड क्लोदिंग उसी तरह उपलब्ध कराता है जैसे रैड ट्रैप चूहों को पकड़ने के लिए चीज एंड पोर प्रोवाइड करता है और जैसे ही कोई उसे छूने को आतुर होता है और इसे छूता है इट क्लोज इन ऑन हेम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड स्टूडेंट, द कीवर्ड हेयर इज बेट बेट यानी चारा आपने सुना होगा मछली को पकड़ने के लिए कांटे के आगे चारा लगाया जाता है उसके लालच में जब मछली उसे खाने आती है तो कांटा उसके गले में अटक जाता है और वो फंस जाती है ह्यूमन बींग के बारे में भी बेट क्या शब्द ऐसा है जिसे हम सीधे जोड़ सकते हैं ब्राइब के साथ यानी रिश्वतखोरी के साथ लालच के साथ अगर भूखा इंसान है तो उसको उसकी भूख भोजन व्यंजन के साथ जोड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में जब मनपसंद चीज आंखों के सामने हो तो इंसान फंसने की परवाह नहीं करता और उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं आइए देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू सी अ बेट किसी चारे को देखकर एक मनुष्य के चेहरे पर जो भाव आते हैं मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है बिकॉज द एक्सप्रेशन इट सेल्फ शोज कुछ ऐसा सामने आया है जिसको देखकर इंसान का ईमान उसकी नीयत डोल गई हो प्लीज डोंट ट्राई टू लाफ वन डार्क इवनिंग एक अंधेरी शाम वेन ही वॉज वॉन्डरिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड बस फिर क्या था रात बिताने की गरज से जनाब ने खटखटा दिया कॉटेज का दरवाजा He was taken in by the owner who was an old man without a family. Usne apne akile ke sajidar is ka khushi se swagat kya and gave him dinner and played cards with him. Until bedtime, he told the guest about his past days of richness when he had been a crafter in Ramsjo iron works. क्रॉफ्टर अनरस पर्सन क्रॉफ्टर एक बहुत ही काइंड हार्टेड और अतिथि का सत्कार करने वाला एक सरल स्वभाव व्यक्ति था पेडलर अबाउट हिस्स का दूध बेचकर उसने लास्ट मंथ थर्टी क्रॉनर्स अर्न किए हैं ही ऑल्सो शोर्ड थ्री रिंकल्ड टेन क्रॉनर बिल्स टू दैडलर एंड हंग द लेदर पाउच ऑफ मनी बैक टू द नेल इन द विंडो पेन नेक्स्ट मॉर्निंग क्रॉफ्टर वॉज इन अरे टू मिल्क हिस्स का लेफ्ट द कॉर्ट इज एट द सेम टाइम क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीट थेफ्ट बाय द पैडलर कहानी में ट्विस्ट जिसने आश्रय दिया भोजन दिया और सबसे बढ़कर विश्वास किया उसी को धोखा देने पैडल उसकी चौखट पर फिर से आ गया एक गलत इरादे से ही वेंट अप टू द विंडो स्मैश पेन स्टॉक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड द पाउच टुक द मनी एंड हंग द पाउच बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे पेडलो ट्रैप इन साइड द फॉरेस्ट पकड़े जाने के डर से पेडलर सड़क छोड़ जंगल का मार्ग अपनाता है और भ्रमित होकर सारा दिन जंगल में चक्कर काटता रहता है बाहर नहीं आ पाता देन ही थॉट द वर्ल्ड बीइंग रैड ट्रैप एंड फेल्ट दैट वॉज ट्रैप्ड और वो थर्टी क्रॉनर उसके लिए चारा साबित हुए अंधेरा छाने लगता है ठंड बढ़ने लगती है शरीर थक कर चकना चूर मृत्यु निकट महसूस होने लगती है सडनली हर्ड अ थम्पिंग साउंड ऑफ द हैमर फ्रॉम अ नियर बाय आयरन मिल गेदर ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड रीच दॉर शेल्टर इट वॉज राम आयरन वर्क गॉड द परमिशन टू स्टे दाय द मास्टर ब्लैक स्मिथ आयरन मास्टर्स इन्विटेशन उन दिनों राम्स जो आयरन मिल का मालिक बहुत ही काबिल और एम्बिशियस व्यक्ति था रात को निगरानी दौरे पर वह आयरन मिल में पहुंचता है हे लुकड पैडलर वेरी केयरफुली एंड मिस टुक हिम एज नॉल ऑफ इज फ्रेंड पैडलर भी इस भ्रम को बनाए रखता है इस आशा से कि पुराना परिचित होने के नाते ही माइट पर हैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर He then invited him home. The peddler was not, not comfortable with the idea of going to the manor house, pretending to be the owner's old regimental friend. He politely refused. He thought of the 30 crore and afraid of being found out. He felt that going to the manor house would be like throwing himself to another temptation. एडला विलमिंसन एंट्री एडलासन इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू दैडलर एज आयरन मास्टर्स डॉटा शी नोटिस्ट दैट द मैन वॉज अ फ्रेड उसने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर जेल से फरार होकर आया है एडला के आग्रह को वह ठुकरा ना सका एज शी अशोर हिम फ्रीडम टू लीव एट वेल ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द फर कोर्ट हैरान होती है क्योंकि किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि वो कभी एजुकेटेड मैन रहा होगा आयरन मास्टर कहता है कि एक बार उसे प्रॉपरली तैयार होकर आने तो दो बट वेन द पेडलर एंटर्ड लुकिंग क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड द आयरन मास्टर रियलाइज दैट he was not the friend he had mistaken him for he wanted to take the matter to the sheriff. pedler's defence pedler claimed that he had not pretended to be anything but a poor trader he has insisted on staying at the forge he was ready to put on his rags again and go away. he told his philosophy to iron master that the world was nothing but a big rat trap sabhi achhi cheeze chara hain hame trouble mein dalne ke liye if sherif imprison me to yaad rakhna ek din tum bhi jaal mein phasoge he said attitude difference between father and daughter इतने वाद विवाद के बाद इट्स नेचुरल कि आयरन मास्टर पेडलर को जाने के लिए ही कहेगा but his daughter came in between and said that he ought to stay with them for a day she argued that person like him was always chased away he lived under the fear of being arrested and cross examined hence she insisted that he be allowed to enjoy a day of peace with them the iron master could not oppose her he consented but hoped that she would not regret her decision Christmas present In the evening Christmas tree was lighted the peddler had to go into the dining room and eat the christmas fish and porridge the girl told him that the suit which he wore was to be a christmas present from her father and that he was welcome to spend the next christmas eve with them again Departure of peddler

चर्च में उन्होंने सुना कि वो एक चोर है द मैन हैड गॉन बट नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर मिस मिसमसन हिज गिफ्ट एंड नोट फॉर हर ऑन ओपनिंग द पैकेज शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इट ले थ्री रिंकल्ड टेन क्रोनर नोट एंड लेटर एड्रेस टू ह ट हर टू बी एम्बरेज बाई अ थीफ बट एक्ट एज अ कैप्टन उसमें निवेदन था कि वो धनराशि उस वृद्ध को लौटा दें जिन्होंने अपनी खिड़की के फ्रेम पर एक पाउच लटका रखा है जो गरीब वॉन्डर के लिए बेट यानी चारा है द रैट ट्रैप वॉज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हुव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ हीड नॉट बीन रेज टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे He got power to clear himself. Well, students, now it's time to say goodbye to you. I hope you enjoyed the lesson. Thank you very much.